जय हिंद भाई साहब। देखिए 7 बजने वाला है, अभी 2-3 मिनट बाकी है। और आज है आपका कितना, 18 तारीख है, 18 अप्रैल 2023 है। अभी सो के उठा हूँ और कल आया था मैं कहाँ, प्रयागराज से। अब वहाँ पे तो धारा 144 इम्पोज है, तो बस अब यहाँ पे इंटरनेट इंटरनेट चल रहा है। थोड़ा सा अपलोड अपलोड भी किया हूँ क्योंकि रात को 12 से 6 वो रहता है ना, फ्री रहता है, अनलिमिटेड रहता है वोडाफोन में। और केला भी काटना, और ये अंदर आया घास को ले जाने के लिए, घास उसको ले जाऊँ, गाय को लगवाऊँ वगवाऊँ, सब काम करूँ और दिखाता हूँ यार ना, ये जो है यह घास है, इसको लेकर के जाता हूँ। से जा रहा हूँ, असल में चाचा की लड़की है 4.5 साल की, तो उसका 8वीं से स्कूल है, तो उसको छोड़ने के लिए आया था। अब घर पे जा रहा हूँ, गाय लगवाया हूँ, गाय लगवाने के बाद इसको छोड़ा हूँ। 7:35 हो रहा है अभी फिलहाल टाइम, अब इसको छोड़ के अब मैं जा रहा हूँ घर, घर चलूँ काम वाम अपना करूँ। तो ऊपर आ चुका हूँ, जो केला काटना उसको दिखा दे रहा हूँ। साला कैमरवा पे क्या हो जाता है यार। तो यही है, केला दिखा रहा हूँ आपको, यह है केला, कुछ यह पेड़ है इसका, यहाँ पे इतना लंबा सा कुछ है और नीचे ऐसा कुछ है, दूर से तो कहाँ है दिखाऊँ मैं। और इधर आता है, अब इसका भी ये नगर पालिका मांगा तो इसका भी पीछे वहाँ तक करना था, अब इसका भी टैक्स देना पड़ेगा। और जिस जिस स्कूल में जाना है उसको, सामने प्राथमिक विद्यालय है सरकारी वाला, उसको दिखा दूँ, यहाँ से देखिए दिख रहा है उसी स्कूल में जाना है, वो जो लाल लाल कलर सा दिख रहा है ना उसी में। चलिए काट उठ के फिर मिलता हूँ। देखिए स्कूल आ दिया नीचे, यहाँ पे जल्दी से, चलिए अब बंद करता हूँ वीडियो, जल्दी से निकालता हूँ। देखिए इससे मारा एक बार में, यह कट के अलग धड़ धड़ धड़, अब इसको काट के हटा दे रहा हूँ ताकि इसको इसको उसको ना करे। और यहाँ पे ऐसा कुछ है, गिर गया वहां से कट के। ये क्या है ना कि ऊपर इसका जूस आएगा, काम हो रहा है। तो केला को काटने के बाद वहां से देखिए ना, काट उठ के उसको रखो दिया हूँ। अब अकेले हूँ तो कैमरा कौन चलाए, उसको कौन उठा उठा के, लगभग 45-47 किलो का था वजन पूरा। उस तरफ से करके इस तरफ करना, बाउंड्री को पार करना, और क्या। हाँ तो फिर मैं कहा, देख रहे हैं कहाँ जा रहा हूँ, तो गांव में जा रहा हूँ। क्या करने के लिए, गांव से अब सामान लेकर के जा रहे हैं, जो आपको विद्यालय दिखा रहा था वहाँ से, सहारा पीला नीला ऐसा, तो यही है। अब पीछे इसलिए उधर नहीं दिखाया कि उस पर लिख के आ जाएगा गाँव का नाम, तो यही है। ठीक है, पीछे जा रहा है, तो ये पीछे देख रहे होंगे ना, पीछे बोरिया भरा हूँ, बोरिया है, बोरिया में क्या है, राशन है। देखिए राशन तो ले जाने का मन नहीं करता, लेकिन किसी को बेच उच के जो भी थोड़ा 2-4 रुपया इकट्ठा करके क्या करता हूँ कि पढ़ाई उढ़ाई के लिए जो भी होता है काम, फॉर्म वॉर्म वही रहा चलता हूँ। चाचा और जो देख रहे थे, जैसे बाबा थे, चाचा थे, भूसा का ढुवाई कर रहे थे, और वो चाचा की उन थी लड़की थी छोटी वाली सबसे। मैं चलूँ, मुझे क्या क्या काम करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो वो था कवही लगाया हुआ था, यानी कि जो बल्ली टाइप का था लगा था, उसको इधर ला करके सेफ जगह, जहाँ पे उसका जगह स्थान है उसको रखना है। फिर उसके बाद जो है कि वायरिंग पूरा करना है घर का, पूरा उथल पुथल हो रखा है, वायरिंग का मतलब कनेक्शन इधर उधर करना है, कनेक्शन वनेक्शन करता हूँ। और तब से सुबह से उठते उठते काम कर रहा हूँ, और अभी तक कुछ लग ब्रश तक नहीं किया हूँ, ब्रश करूँगा पहले जाके, फिर केला वाला खाऊँ। हाँ तो आज 21 अप्रैल है, अब जैसे ना टाइम ही नहीं मिलता है कि कैमरे को चालू करो, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो कैमरा मेरा छूने उने के जल्दी मन नहीं करते, यानी चालू करके व्लॉग बनाओ रिकॉर्ड करो। मैं कहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा दिन हो रखा है, तो आपको मैं थोड़ा सा वीडियो बना करके जो भी है अपडेट एक व्लॉग में बता दूंगा, जो आएगा व्लॉग आगे की, थोड़ा बहुत इस तरह से आगे पीछे में, कि
कि क्या क्या कैसे कैसे बीच बीच में हुआ, ताकि थोड़ा थोड़ा पता चलते रहे हाँ ये सब होते रहा है। तो अभी यही अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे पूरा आपका लगा है, वो जो ITBP का लगा हुआ था कि वहां पे हाइट में थोड़ा सा चांस है कि बाहर होने का, तो वो तो फाइनली PET PST क्वालिफाइड हो गया हूँ। लेकिन तो यही हुआ है कि आके एनालिसिस किया कि भैया कितना मार्क्स लाना होगा कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, तो ये कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। 100% तो कंफर्म नहीं हो सकते, पिछले बार के हिसाब से मिलाते हैं, पेपर का इंटेंसिटी मिलाते हैं, कैसा टफनेस वफनेस है, तो इन सब के हिसाब से तो पिछले बार ही 28 88 चला गया था, 88 चला गया था कट ऑफ OBC का सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी गलती ये किया हूँ कि जाने दीजिए, नहीं उसे डिस्क्लोज करता हूँ। और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हो रखा है यहाँ पे, देखिए 36 डिग्री सेल्सियस अभी तो फिलहाल कम, नहीं तो 44 44 रहता था, 38 है। और टाइम कितना हो रहा है देख लीजिए आप, 4:48, ठीक है। और मैं वर्क टाइम एंड वर्क पढ़ रहा हूँ। अब देखिए BSF पे जब ये सब हो गया ना, तो मैं फोकस किया, वो भी अभी मैं फिलहाल फोकस किया हूँ BSF में, BSF पर। क्यों BSF पे फोकस कर रहा हूँ कि उसमें क्या है कि ITBP का तो बाद में ही होगा, कितने भी होगा BSF से बाद में ही होगा, तो क्यों नहीं इस पे पहले BSF का होगा। तो BSF में जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग हो गया, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, और इंग्लिश कहाँ गया भैया, और इंग्लिश हो गया जो कि सब 20 20 मार्क्स में 5 है, तो आपका कितना हो जाएगा 100 100 मार्क्स का। तो उसमें सिर्फ मैथ ही दिक्कत करेगा, तो मैथ को ही मैं पढ़ ले रहा हूँ, वो ITBP में भी कवर हो जाएगा, तो इस तरह से लेके चल रहा हूँ ताकि दोनों में क्लियर हो जाए तो काफी अच्छा है। कट ऑफ इतना ज्यादा जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर तो बढ़िया है, इंग्लिश भी बढ़िया है, लेकिन और बढ़िया करना है, और क्लर्कल एप्टीट्यूड भी ठीक है, मैथमेटिक्स एकदम बेकार है, तो उसे यही किया जाए। बैठा हूँ कमरे में, गर्मी हो रही है, सब कुछ बंद है, पढ़ा जाए निकाला जाए, ठीक है। बस रखता हूँ इसको यहीं पे। और टाइम अभी आपका तो दिखाई दिया 16:50, 21 अप्रैल है आज आपका।